नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भक्त गणों के घरों में माँ की मूर्ति या चित्र के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित है और प्रथम दिन बोए हुए जौ के बीज अब अंकुरित होने लगे हैं। नवरात्रि के 9 दिन पूजा का स्थान इसी प्रकार सुसज्जित रहना चाहिए। माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा अलौकिक वस्तुओं के दर्शन कराता है। यह स्वरूप बहुत आकर्षक, कल्याणकारी और शांति प्रदान करने वाला है। इस स्वरूप में देवी के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका शरीर स्वर्ण के समान चमक धारण करता है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें अनेक अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। उनका वाहन सिंह है। देवी के मस्तिष्क पर सुसज्जित घंटे की भयंकर ध्वनि राक्षसों और असुरों को भयभीत करती है। मान्यता है कि यदि माँ चंद्रघंटा की पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली और हृदय रोग निवारक है। यह भी कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की आराधना से भक्तों को पिछले जन्मों के भी पापों से मुक्ति मिलती है। इन देवी की पूजा करने से साधकों को अलौकिक वस्तुओं और दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है, परंतु इस प्रकार के अनुभव केवल शुद्ध और तपस्वी साधकों को ही होते हैं। इसलिए स्वच्छ शरीर और पवित्र मन और हृदय से देवी की आराधना कर माँ से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उनकी उपासना से सहज ही सभी सांसारिक कष्टों और बंधनों से मुक्त होकर हम ध्यान में लीन हो सकते हैं। चंद्र घंटा की आराधना मणिपुर चक्र में ध्यान लगाकर की जाती है। अब जानते हैं माता चंद्र घंटा की पूजा विधि। सबसे पहले माँ चंद्र घंटा को कुमकुम का तिलक लगाकर चरण स्पर्श करें। अब जैसा कि हमने नवरात्रि के पहले और दूसरे दिन की पूजा में अग्नि को लौंग का जोड़ा अर्पित करने की विधि बताई है, उसी प्रकार लौंग अर्पित करें। देवी को फल, पुष्प, मिष्ठान आदि अर्पित करें। यदि आप अच्छे मन से स्वयं कोई मिष्ठान बनाकर अर्पित करते हैं तो देवी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करती हैं। प्रयास करें कि नवरात्रि में प्रतिदिन कुछ घर के बने हुए मिष्ठान का भोग लगाएं। अब दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ करें और देवी का कवच पढ़कर चंद्रघंटा बीज मंत्र का उच्चारण करें। यह बीज मंत्र इस प्रकार है, एम श्रीम शक्त्यै नमः। इसके पश्चात देवी चंद्रघंटा मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चंद्रघंटायै नमः की एक माला का जप करें। अब दुर्गा आरती या यदि आपकी पुस्तक में माँ चंद्रघंटा की आरती है तो उसे प्रेम पूर्वक गाकर माँ की आरती उतारें। इसके पश्चात माँ से प्रार्थना करें कि आपके सभी पाप नष्ट हों और क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। और मित्रों, इस प्रकार समाप्त होती है हमारी यह जानकारी। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे देवी के चौथे स्वरूप कूष्मांडा की संपूर्ण कथा।